या विषय साहब मौजूद है हमारे साथ। मोहम्मद सैफ साहब पूछते हैं सर, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना कैसा है शरा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूचुअल फंड ये सरमायाकारी का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने फंड्स एक फ़ंड मैनेजर के पास जमा करते हैं जी। और उसकी वजह ये होती है कि हर आदमी को सरमायाकारी का तजर्बा नहीं होता और म्यूचुअल फ़ंड का जो मैनेजर होता है वो एक तजर्बाकार शख्स होता है, तो उसके ज़रिए से सरमायाकारी करने से लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको ज़्यादा यानी मौके मिल जाता है मुनाफे कमाने का। और ये फ़ंड दोनों तरह के हो सकते हैं, मतलब ये है कि इनको ऐसे तरीक़े से भी चलाया जा सकता है कि उसमें तमाम शरी अहकाम की रियायत हो, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ़ंड मैनेजर ऐसा हो कि जो शरी अहकाम के मुताबिक म्यूचुअल फ़ंड को ना चलाता हो। तो इसलिए अगर म्यूचुअल फ़ंड ऐसा हो जो इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड हो और आजकल मार्केट में दस्तियाब हैं, जैसे मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई म्यूचुअल फ़ंड ऐसा हो कि जो इस्लामी ना हो, यानी कि उसमें जो है वो सूद में भी सरमायाकारी करते हों, सूदी कर्ज़े देते हों, या मतलब ये है कि ऐसे कंपनियों के शेयर्स ख़रीदते हों कि जिनका बुनियादी कारोबार ही हलाल ना हो, तो इस तरह के फ़ंड में सरमायाकारी करना फिर शरान जायज़ नहीं होगा। ठीक, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।